स्टूडेंट्स, माई शुड काशिश्मिता प्रधान। देखो, हम जैसे कि प्रीवियस क्लास में दिखे थे पेड़ की बात, पेड़ के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है नहीं? तो उनके जो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़े थे, वो कैसे उनको, वो जब मिट्टी के नीचे सोता है तभी वो कैसे उठती है और उनके बाद वो कैसे पेड़ में कन्वर्ट होते हैं, हम उनके बारे में दिखे थे, है कि नहीं? तो आज नेक्स्ट से पढ़ते हैं। जैसे कि मैं पढ़ूंगी, आप थोड़ा सा केयरफुली सुनना। हाँ, जैसे कि दिया गया है, कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाता है। जब पेड़ मरने के पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है, बीज ही गाछ बिरछ के संतान है। बीज की सुरक्षा और साल सार संभालने के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, ठीक है? तो पेड़ बहुत सुंदर थे, क्योंकि देखो पेड़ एक साल जिंदा रहने के बाद मर जाती है। तो वो क्या करती है कि जैसे कि वो भी चाहता है कि उनके जो क्या है कि जेनरेशन आगे बढ़ने के लिए वो भी चाहेगा, ठीक है? इसीलिए उनके बीज से वो बीज जो गिरता है, देन उसमें से फिर छोटे प्लांट वो कन्वर्ट हो जाती है, नहीं? उसमें से फूल पत्ते फिर से होते हैं और बहुत सुंदर भी दिखाई देते हैं। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। गाछ बिरछ तो मटमोली मोटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उत्पादन से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मतलब जैसे कि वो तो मतलब ग्रहण क्या करती है कि इतने जो अंगारक, मतलब अंगारक काम्ल जो बोलते हैं हम, अंगारक ग्रहण करता है ने, तो ये इतने सुंदर से फिर फूल कैसे इतने सुंदर से होता है, ठीक है? वो इतना विषाक्त वाला, उतने पॉइजनस उनके बॉडी में होता है, तो इतने सुंदर वाला फूल कैसे हुआ उनसे? देन तो कथा सुनी होगी कि स्पर्श मणि के पारस पत्थर के, देन जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है, नहीं के तो उनके जैसे है, ठीक है नहीं? जैसे कि दिया गया था स्पर्श मणि के पारस पत्थर के द्वारा भी वो क्या हो जाता था कि लोहे भी सोना में कन्वर्ट हो जाता था, नहीं कि उसी तरह ही है ये। हाँ, देन मेरे ख्याल में माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निवासर निछावर होते ही फूल खिलखिला उठता है। ममता का परस पाते ही मानो मट्टी व अंगार के फूल बन जाती है, ठीक है? तो उसमें इसीलिए कन्वर्ट हो जाती है और इतने सुंदर है वो, नहीं कि किसके वजह से कि माँ के ममता के वजह से, जैसे बोला गया है, ठीक है? तो पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितने खुशी होते हैं, होती है कि नहीं सबको? शायद पेड़ के कम प्रफुल्लित नहीं होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परसनों को नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरस भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। तो ये इसी तरह ही बोला गया है कि नहीं? हमारे जो क्या होती है कि जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स जितने सारे रिलेटिव्स वगैरह सबको बुलाते हैं, बुलाते हैं कि नहीं? उसी तरह ही ये भी है कि नहीं? देन स्नेहा रिक्स वाणी से पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचाना नहीं सको, इसीलिए रंग बिरंगे फूल से निशान लगा रखे हैं। इसीलिए तुम शायद पहचान नहीं पाओगे, घर पहचान नहीं पाओगे, इसीलिए हम क्या किए हैं कि डिफरेंट फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर को तो भी देख के हम पेड़ को पहचानते हैं ना, तो इसीलिए बोला गया है कि नहीं? हम इसीलिए उसको पहचान सकते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकेंगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरस की चिरकाल से घनिष्ठता है। वो जैसे कि मधुमक्खी तितली क्या करती है कि उनके सुगंध के द्वारा ही वो उनके पास खींच के लाते हैं, ठीक है नहीं? तो उसी तरह ही बोला गया है, वे दलबल सहित फूल देखते आते हैं। कुछ पतंग दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, नहीं कि? तो ये उसी के समय में क्या होते हैं कि दिन के समय में कुछ पक्षी पक्षियों भी क्या करते हैं कि बाहर नहीं निकलती है, तो पक्षी उन्हें देखने ही खा जाते हैं। इसीलिए रात को अंधेरे गिरने तक वह छिपे रहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि इसे
इधर उधर से छिपे रहते हैं। हाँ, शाम होते ही उन्हें बुलाने के खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं, मतलब उनको जैसे बुलाने के लिए, है कि नहीं, चारों तरफ उनके जो सुगंध होते हैं उनको चारों तरफ ऐसे भेज देते हैं जैसे, है कि नहीं। दिन गाच अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती है, तो गाच क्या करती है कि उनके जो फूलों में वो शहद, ठीक है, शहद रखती है, संचय मतलब कलेक्ट करके रखती है। सब सारे के सारे क्या होते हैं कि मधुमक्खियां तितली वो आते हैं उधर से, ठीक है, पान करने के लिए, मधुपान करने के लिए उधर से आते हैं। मधुमक्खी के आगमन से बीरस का भी उपकार होता है, ठीक है, मतलब मधुमक्खियां जब पेड़ के ऊपर आते हैं, फूल के पास जब आते हैं, उनसे भी बहुत उपकार मिलता है। तुम लोग ने फूल में परागकण दिखे होंगे, मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल से ले आते हैं, परागकण के बिना बीज तक नहीं सकता है, ठीक है। देन देखो, जो परागकण होती है और दूसरे फूल से लेके आते हैं, उनकी वजह से तो उनमें से जो फूल के बाद आती है उसमें से बीज होती है ना, तो उनके वजह से ही होती है, नहीं तो दूसरे वाला उसमें से बीज नहीं होता, ये और भी एक प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता हो, ठीक है ना, समझ गए ना हो। देन इसीलिए ये उपकार भी बहुत कर रहा है, ठीक है, मधुमक्खियों ने। देन इस प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर बीरस बीजों का पोषण करता है। देन अब अपनी जिंदगी के लिए उसी मोह माया का लोभ नहीं है, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है, नहीं कि उनके बच्चे के लिए सब कुछ वो लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है, अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो जाती है कि सूख हो जाती है, सूख जाने के कारण वो अच्छे से भी बढ़ नहीं पाते हैं, है कि नहीं। देन तो पहले हवा व्यार करती है, करती हुई आगे बढ़ जाती है, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते हैं, छोटी छोटी डालियां तार तार पर नाच उड़ती हैं। अब सूखा पेड़ हवा से आघात सहन नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके क्या हो गया कि वृद्धावस्था हो गया है, इसीलिए उनके कारण। हाँ, देन हवा का बस एक थपड़ा लगते ही वह थर थर कर कंपने लगता है, एक एक करके सभी डालियों टूट पड़ती है, अंत में यह एक अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है कि नहीं, मतलब उनके मरने के टाइम हो जाती है। देन वो क्या करती है कि वो मिट्टी में मिट जाती है। इसी तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वीरस समाप्त हो जाती है कि नहीं। तो इसी तरह ही उनके संतान के लिए वो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं, है कि नहीं, जैसे कि हमारे जैसे क्या करते हैं कि हमारे मनुष्य जैसे करते हैं, मनुष्य की तरह ही हमारे जो ये पेड़ भी ऐसे हैं, है कि नहीं। इसीलिए जगदीश चंद्र बसु ने हमारे पेड़ के बारे में ऐसे पेड़ को इंसानों के तरह ही माने हैं, और कैसे उनके जो जीवन को निर्षावर करते हैं उनके संतान के लिए ये लिखा गया है। हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, देखो, जैसे कि शिशु, छोटा बच्चा, हाँ, देन परीक्षा, देन जांच, परख, देन ग्रहण, ग्रहण का मतलब है शुक्र, देन विधाता, विधाता का मतलब है ईश्वर, देन समाहित, समाहित का मतलब है समाया हुआ, देन परस का मतलब है स्पर्श। तो ये था हमारे क्या है कि ऐसे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड मतलब दिया गया है, आप थोड़ा सा केयरफुली उनको पढ़ लेना, ठीक है नहीं। तो हमें भी प्लांट से बहुत सारे चीजें ऐसे मिलता है, नहीं सीखने के लिए मिलता है, तो ठीक है, केयरफुली दिखना थोड़ा सा। हाँ।